हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे शुरू से आखिरी तक देखिएगा और इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना देरी किए। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिटेलिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू रिटेल। भारत में हम जानते हैं कि रिटेल ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आज हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला जो सेक्टर है वो है रिटेल। जी हाँ, हमारे भारत में या हमारे पूरे वर्ल्ड में सातवें नंबर पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में रिटेल का नाम आता है। और भारत में ये दूसरे नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आप देख सकते हैं रिटेलिंग की डिमांड हर जगह, हर छोटे से छोटे कस्बे से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक बना हुआ है। रिटेलिंग के दो भाग में बांटा जा सकता है। रिटेलिंग दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला होता है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग और दूसरा होता है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। इस अध्याय में हम समझेंगे कि किस तरीके से स्टोर और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग जो है वर्क करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। बच्चों, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होता है? स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं को किसी एक स्थान या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर से बेचा जाता है वही कहलाता है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। मतलब एक ऐसा स्थान होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से कोई दुकान होती है, वही स्टोर बेस्ड रिटेलिंग होती है। स्टोर रिटेलिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है मालिकाना के आधार पर, मालिकाना अधिकार के आधार पर, और दूसरा होता है बेचे जाने वाले उत्पाद के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं मालिकाना के आधार पर। मालिकाना के आधार पर मीन्स होता है कि एक मालिक होता है, वही जो है दुकान को चलाता है। तो मालिकाना के आधार पर पहला आता है स्वतंत्र रिटेलर। स्वतंत्र रिटेलर जो होता है किसी स्टोर को अपने परिवार के सदस्यों की सहायता या फिर किसी अन्य सहायक की मदद से जो चलाता है। मतलब वहाँ पर उसके परिवार के कोई लोग चलाते हैं या फिर वो स्वयं ही उनकी स्वयं के साथ जो है वो वहाँ पर वो चलाता है। मतलब एक उसका मालिक वो खुद ही होता है और कोई दूसरा नहीं होता। स्टोर की जगह और बेचे जाने वाले उत्पाद के प्रकार को समझते हुए स्वयं ही उसकी रिटेलिंग की रणनीति बनाता है और स्वयं ही वो दुकान को चलाता है, उसकी रणनीति बनाता है। क्या उसे लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, क्या रखना चाहिए दुकान में, क्या नहीं रखना चाहिए, वो सारी कुछ जो डिसीज़न है वो सारा कुछ उनके ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है इनका, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है। यहाँ पर ग्राहकों को डिवाइड नहीं, सेग्रीगेट नहीं करते कि हमें ये जो है पर्टिकुलर ग्राहक के लिए है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी ग्राहक के जो है उनसे उनका सीधा संपर्क होता है। ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते जाते हैं, उनको ये मतलब नहीं रहता कि आफ्टर सर्विस मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं स्थानीय बनिया, किराना स्टोर है ना, और पान वाला, ये सब क्या है आपके स्वतंत्र रिटेलर के अंतर्गत आते हैं। इसमें मालिकाना के आधार पर दूसरा नंबर पर जो रिटेल आता है वो होता है रिटेल चैन स्टोर्स। रिटेल चैन स्टोर जो है, जब किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्टोर के सभी विशेष काम किए जाते हैं, उसका मालिक वह खुद होता है, उसे हम बोलते हैं रिटेल चैन स्टोर। रिटेल चैन स्टोर का हम ऐसा समझ सकते हैं जब एक किसी का दुकान उसी जगह पर आसपास में और भी दुकानें हो या फिर उसके कुछ किलोमीटर की दूरी पर और भी दुकानें हो और उसका वो मालिक खुद हो, मतलब उसके परिवार वाले हों या फिर और वो खुद हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, हम रिटेल चैन स्टोर। जैसे किसी का कपड़ा दुकान है वो नगरी में है, वही उसी का सेम नाम का एक और कपड़ा दुकान धमतरी में है, उसी नाम का एक और कपड़ा दुकान जो है आपका रायपुर में, तो वो तीनों का मालिक है, तो ये कहलाता है रिटेल चैन स्टोर। सभी चैन स्टोर में से एक जैसा उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी चैन स्टोर में क्या होता है, एक ही जैसा उत्पाद जो है उपलब्ध होता है। जैसे कपड़ा का है तो कपड़े का ही होगा, है ना, मिठाई का तो मिठाई का होगा, एक ही प्रकार के उत्पाद वहाँ बेचे जाते हैं। ठीक है, इनका पर्यावरण और प्रचार करने का भी तरीका एक जैसा होता है। यहाँ पर प्रचार वचार जो भी सब एक जैसा होता है, मतलब एक के लिए प्रचार करेंगे तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। उदाहरण के लिए रिलायंस, बाटा, एरो, लुइस लिप है ना, फूड वर्ल्ड, ये सब क्या हैं, ये सब रिटेल चैन स्टोर हैं। आप देखेंगे बाटा के शोरूम हो गए, लखानी के शोरूम हो गए, आपके ये सारे शोरूम आपको हर जगह पे मिलेंगे, उसके मालिक एक ही होते हैं। ये आप देख सकते हैं फोटो में, स्वतंत्र रिटेलर और रिटेल चैन स्टोर के कुछ फोटोग्राफ्स हम देख सकते हैं। सुरभि जनरल स्टोर ऊपर दिया हुआ है, ब्रिक लेन बुक शॉप, फिर ये रिटेल चैन स्टोर आप देख सकते हैं, अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग एक ही नाम के अलग अलग दुकानें हैं। ठीक है, और शॉपर स्टॉप्स ये रिटेल चैन स्टोर्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी, इसके अंदर तीसरा जो आता है मालिकाना वाले में वो होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में भी एक इंडिविजुअल चलाता है, एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति के साथ और एक कंपनी के साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक सहमति पत्र साइन होता है। किसी कंपनी और किसी स्टोर के मालिक के बीच एक कानूनी अनुबंध साइन होता है। ठीक है, स्टोर के मालिक के साथ एक स्थापित नाम के तहत व्यापार करने की अनुमति देता है। कंपनी जो है अपना नाम को यूज़ करने का, अपने नाम का उपयोग करने का उस स्टोर के मालिक को ये
अनुमति प्रदान करता है ताकि उसका नाम का यूज़ करके ताकि वो लोग उस नाम को जानते हैं। और उस जैसे मैंने SBI का मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया, तो SBI उससे लोग परिचित हैं, तो जितने लोग SBI देखेंगे नाम से तो मेरे पास ज़रूर वो सर्विस लेने आएंगे। तो इस प्रकार से नाम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और नाम को देना ही कहलाता है फ्रेंचाइजी। उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, वैन यून, ये सब क्या है, आपके फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, पोस्ट ऑफिस भी अपना फ्रेंचाइजी देता है अलग अलग जगह पे खोलने का, तो वो भी आपका फ्रेंचाइजी के अंदर आता है। फिर लास्ट है उपभोक्ता सहकारी संस्था। उपभोक्ता सहकारी संस्था, एक उपभोक्ता सहकारी संस्था एक रिटेल स्टोर है जो अपने ही सदस्य ग्राहकों की मदद से चलाया जाता है। जब मौजूदा रिटेलर ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते और ग्राहक को असंतुष्ट ही रह जाते हैं, तब इस प्रकार के स्टोर्स की शुरुआत की जाती है। उदाहरण के लिए अपना बाजार आदि। जब हम ग्राहकों की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जब ग्राहकों की अगर उन्हें कुछ चाहिए रहे, अगर वो मार्केट में नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो बेसिकली ऐसे रिक्वायरमेंट जो उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, ऐसे रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही जो है इस उपभोक्ता सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य। उपभोक्ता सहकारी संस्था जो होता है एक संस्था द्वारा लगाया जाता है, जैसे अपना बाजार हो गया, मीना बाजार हो गया, ये सब क्या है, कोई संस्था द्वारा लगाया जाता है और वहाँ पर ग्राहक आके खूब खरीदारी करते हैं। ये ज़्यादा समय के लिए नहीं था, कुछ समय के लिए ही जो है ये लगाया जाता है ताकि लोग जो है वहाँ पर अपने मनपसंद की चीज़ें सस्ते दामों में खरीद सकें और वो बेसिक से बेसिक चीज़ें भी बेचा करते हैं ताकि ग्राहक जो है भारी मात्रा में सामान को खरीदें। तो यहाँ पर डिस्काउंट सारी चीज़ें जो है बहुत ही कम रेट में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अपना बाज़ार आप देख सकते हो, मुंबई का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंचाइजी और उपभोक्ता सहकारी संस्था, आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है अपना बाज़ार, देखिए जजीम हासिल हो गया, ये सब क्या है, आपके उपभोक्ता सहकारी कोई संस्था द्वारा चलाया जाता है ना। और फ्रेंचाइजी आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट का। अब दूसरा कैटेगरी है वो है बेचे जाने वाले उत्पाद के आधार पर। बेचे जाने वाले उत्पाद के आधार पर सबसे पहला आता है सुविधा स्टोर। सुविधा स्टोर क्या होता है, ये स्टोर आकार में बहुत छोटे होते हैं, रिहायशी इलाकों में स्थित होते हैं, बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं ये, और ये लंबे समय तक खुले रहते हैं। ये आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे जगह पर होते हैं, ये दूर दराज पर आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे और काफ़ी कॉलोनीज़ में मिलेंगे, जहाँ पर कॉलोनी होती हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये सब सुविधा स्टोर। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेंगे और ये मोस्टली जो है 24/7 24 घंटे में 12 से 13 घंटे 18 घंटे खुले रहते हैं। सीमित उत्पाद जैसे अंडे, ब्रेड, दूध, सब्जियां आदि बेचते हैं और ये सब सीमित उत्पाद बेचने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आपको भारी सामान नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। दूसरा है सुपर बाज़ार। सुपर मार्केट या सुपर बाज़ार एक विशाल स्टोर होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पैमाने पर होता है जहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर अपनी स्वेच्छा अनुसार आप सामान का चुनाव करके उसे ट्रॉली में लेकर आप वहां पर बिलिंग करवा सकते हैं। यहां पर अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। इन स्टोर्स में अधिकतर खाने पीने से जुड़े सामान यहां पर उपलब्ध होते हैं। बहुत ही नियमित लाभ पर ग्राहकों को उत्पाद पहुंचाते हैं। यहां पर आपको देखेंगे बहुत सारे डिस्काउंट भी दिया जाता है, इसके लिए उनको प्रॉफिट बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा व्यापार करते हैं इन लोग बहुत ही फेयर व्यापार होता है। यहां पर ग्राहकों को बहुत ही कम सेवाएँ प्रदान करने पड़ते हैं। यहां पर मतलब ग्राहकों को खुद यहां पर जाके जो है सामान को अपने अनुसार जो है वो चुनाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको एक एक सामान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्राहक अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। नगद लेन देन पर यकीन करते हैं, यहाँ पर नगद लेन देन होता तो ज़्यादा सही रहता है, तो यहाँ पर कैश पेमेंट भी होता है और आपका कैशलेस भी होता है, दोनों पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, कार्ड के थ्रू भी और कैश भी। तीसरा आता है इसमें हाइपर मार्केट। सुपरमार्केट और एक जनरल स्टोर को मिलाकर हाइपर मार्केट बनता है। मतलब हाइपर मार्केट क्या है, सुपरमार्केट और जनरल स्टोर जब एक साथ को उनको मिला दिया जाता है तो बन जाता है हाइपर मार्केट। मतलब जहाँ पर खाने पीने का सामान भी मिल जाए और जहाँ जनरल स्टोर का सामान भी मिल जाए, तो वो सब क्या कहलाते हैं हमारे, हाइपर मार्केट। यह आमतौर पर आकार में बड़े होते हैं, यह सुपर बाज़ार से सुपर मार्केट से काफ़ी बड़े होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपनी कम कीमतों से उत्पाद की वेराइटी को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचाना, ठीक है, ग्राहकों को आकर्षित करना इनका मेन उद्देश्य होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी वैरायटी से ज़्यादा वैरायटी में ग्राहकों को सामान पहुँचाना। आप देख सकते हैं डी मार्ट का एग्जांपल आप ले सकते हो, बिग बाज़ार का आप ले सकते हो, ये सब हाइपर मार्केट में आते हैं। इसमें आपको वैरायटीज़ मतलब खाने पीने के सामान से लेकर के बाकी चीज़ें भी जनरल स्टोर के सारे सामान वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विशेषता स्टोर। विशेषता स्टोर जो है एक किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए बनाए होते हैं, जैसे सोना चांदी के दुकान हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई, ये सब क्या है, विशेष स्टोर में आते हैं, घरेलू उत्पाद के, फर्नीचर के दुकान। फिर इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वे स्टोर हैं जो केंद्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं, ये बहुत ही सेंटर जैसे चौक चौराहे पर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। एक ही छत के नीचे कई तरह के सामान यहाँ पर बेचे जाते हैं। यहाँ पर जो आपको देखेंगे तो एक ही छत के नीचे कई सारे
जो है दुकानें और सामान वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इन स्टोर्स को अपना विशाल स्टॉक बनाए रखने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर जो स्टॉक रखे जाते हैं उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों अगली कैटेगरी है कैटलॉग शोरूम। कैटलॉग शोरूम अधिकतर जो है हार्ड गुड्स के व्यापार करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, और भी बड़े बड़े जो शोरूम है, जैसे आप होंडा के आप शोरूम ले लीजिए, आपके कार के शोरूम्स ले लीजिए, तो ये सब जो है कैटलॉग का बिजनेस करते, कैटलॉग स्टोर्स का अंतर्गत आते हैं। कैटलॉग की सहायता से वहाँ पर सारे प्रोडक्ट की जानकारी और साथ साथ उनकी प्रोडक्ट की कोड भी लिखे हुए होते हैं कैटलॉग में। रिटेलर अपनी पसंद से और अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है उत्पाद चुन लेते हैं और उसे खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर कैटलॉग रिटेलर में क्या होता है, यहाँ पर ग्राहकों के लिए भी कैटलॉग उपलब्ध कराया जाता है और रिटेलर जो है अपने अनुसार जो है उस उत्पादकों जो है वो कैटलॉग के माध्यम से बेचने की कोशिश करता है और उसे खरीदता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो फोटोग्राफ दिखाया जा रहा आपको, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैटलॉग शोरूम, सुविधा स्टोर और सुपर मार्केट। अब बात करते हैं बच्चों नॉन स्टोर रिटेलिंग की। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, जब वस्तु को किसी बिना कोई स्थान या स्टोर के से बेचा जाता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग में उपभोक्ता के साथ सीधा संपर्क होता है, यहाँ पर और कोई तीसरा पर्सन नहीं होता। ठीक है, गैर स्टोर रिटेलिंग को सीधे व्यक्तिगत संपर्क और सीधे प्रतिक्रिया मार्केटिंग में विभाजित किया गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला है सीधे व्यक्तिगत संपर्क यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब हो गया इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की मदद से रिटेलर ग्राहकों को सीधा संपर्क कर सकता है, उसे जो है सामान को बेचने के लिए ग्राहकों को कांटेक्ट करना होता है। इस प्रकार की रिटेलिंग बहुविकल्प नेटवर्किंग के रास्ते पर चलती है, मतलब यहाँ पर नेटवर्किंग के फॉर्म में चलता है। यहाँ पर जो है रिटेलर ग्राहकों को एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक, दूसरे से तीसरे ग्राहक को इस प्रकार से जोड़ना होता है और उनके थ्रू जो है सामान की बिक्री की जाती है। तो ऐसे रिटेलिंग जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके सीधा संपर्क, सीधा व्यक्तिगत संपर्क रिटेलिंग। बच्चों इसमें दूसरा भाग आता है प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग। इसके अंतर्गत मेल, कैटलॉग, फ़ोन, इंटरनेट की मदद से ग्राहकों को हर नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है, जिसे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर ग्राहकों से संचार बनाए रखने के लिए कई तौर तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या होता है, ईमेल के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी दी जाती है और प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। दूसरा है टेलीविज़न की खरीदारी। टेलीविज़न में जो है आप देखते हैं टीवी में जो बड़े बड़े ऐड आते हैं, नापतोल हो गया, होम शॉप 18 हो गया, उसमें जो जो ऐड आते हैं, जो टीवी में ऐड जो डिफरेंट सेलिब्रिटी द्वारा जो ऐड किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से जो है नंबर वहां पर दिया हुआ होता है, उसके माध्यम से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये सब जो टेलीविज़न खरीदारी के अंतर्गत आता है, इसमें डायरेक्टली आप ऑर्डर करके आप तुरंत आपके घर पर ये डिलीवरी आपको पहुंचा देगा। ठीक है, फिर आता है ई शॉपिंग में जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे आप मंत्रा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स कंपनी के अंतर्गत आते हैं, जो प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं। इसमें जस्ट आपको ऑर्डर करना होता है और प्रोडक्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है और आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अपना सकते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट के पहुंचने पर आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपका आता है टेली मार्केटिंग जो होता है उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए टेलीफोन के माध्यम से जब ग्राहकों के साथ सीधा बातचीत की जाती है, संपर्क किया जाता है, तो ऐसी मार्केटिंग जो कहलाती है, कहा जाता है, वो होता है टेली मार्केटिंग। जब उनके पास बात करने के लिए समय कम होता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कंपनी के बारे में उनको दी जाती है ग्राहकों को, और से जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके द्वारा जो है वो प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया जा सके और उसको सेल किया जा सके। तो इस प्रकार की मार्केटिंग जो कहलाता है वो है टेली मार्केटिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न की खरीदारी, ई शॉपिंग है ना, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट का भी आप ये फोटो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर एक महिला जो है ऐड कर रही है टेलीविज़न में और नीचे नंबर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, स्पेसिफिकेशन वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। वहीं ई शॉपिंग में आप देख सकते हैं सब प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया गया है वहाँ पर, साथ उसकी प्राइस, डिस्काउंट, जो भी ऑफर है वो सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज़ विद स्मार्ट मोमेंट्स।